जाएगा कि जो उनके सिक्योरिटी नॉर्म्स आए हैं उसके लिए हम आपको भी एक बार अवेयर करते हैं। हम जो एक्सपेक्टेशन आपसे रखते हैं मीडिया से, वो सिर्फ इतनी है कि जब आप उन्हें कवर कर रहे हो तो किसी भी हालत में उनमें से Myra Fashions, an exclusive range of designer collection, Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. कोई बाइट लेने का प्रयास नहीं करेगा, उन्हें कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो भारत में दूसरे देश से आकर के यहाँ भी किसी मुद्दे पर बोल जाएं। अगर आप उनकी तरफ बाइट बढ़ाएंगे तो उन 260 लोगों में से कोई तो हो ही सकता है जो कि कुछ भी बाइट देने लग जाए, और वो बाइट हमारे यहाँ पर पूरे देश में इनफैक्ट माहौल खराब करने वाली बाइट हो सकती है। तो आप उन्हें कवर करें, हमें कोई एतराज नहीं है, कवरेज आपका अधिकार भी है, पर उनकी सिक्योरिटी इसमें ये एंगल भी है। अंदर है वो बाहर ही नहीं आ रहे हैं। उसमें एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि जो जेल के हार्डकोर से मुलजिम है ना, वो दुखी हो रहे हैं कि साहब इनको हमारे बीच में क्यों रखा हुआ है। उस तक तो ये जरूरी है, एक की भी जमानत नहीं ले रहे, सब अंदर है। 7 दिन हमें मिल रहा है, हमने पिछले कुछ दिनों में गैंग जो काटने के लिए अलग अलग जगहों से आती है गैंग्स को पकड़ा है, और इस बार बहुत कम घटनाएं अभी तक हुई हैं जो कि जेल काटने से जुड़ी हुई। कायड़ और सिटी का पूरा पोस्टिंग शामिल है। इसके अलावा सरवाड़ में भी हमने इंतजाम किया है, क्योंकि अधिकतर जायरीन जो यहाँ आते हैं वो सरवाड़ भी जाते हैं। इसके अलावा अजमेर में दरगाह शरीफ में उर्स का शुरुआत 26 फरवरी से हो चुका है। कायड़ विश्राम स्थली में करीब 1000 बसेज पहुँच गई हैं और मेला पूरे सबाब में पहुंच चुका है, और मुख्य रूप से उनके लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो नगर निगम के द्वारा की गई हैं। कायड़ विश्राम स्थली में भी ईडीए के सौजन्य से उनके ठहरने का और दरगाह कमेटी के द्वारा भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ट्रैफिक के लिए भी हमने प्लान बनाया हुआ है ताकि किसी भी जायरीन को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए, और उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला समय है अभी जो मेला चलेगा उसमें किसी तरह किसी को कोई परेशानी नहीं हो। जैसा कि कलेक्टर साहब ने आपको बता ही दिया, दरगाह की सुरक्षा के लिए मैं कह सकता हूं कि हमने जो भी आवश्यक इंतजाम है सारे इंतज़ाम हमने वहां पे कर लिए हैं, और बहुत बड़ी संख्या में लगभग 5,500 का डिप्लॉयमेंट हमने वहां पे किया है, जिसमें कि दरगाह कायड़ और सिटी का पूरा पोर्शन शामिल है। इसके अलावा सरवाड़ में भी हमने इंतज़ाम किया है, क्योंकि अधिकतर जायरीन जो यहाँ आते हैं वो सरवाड़ भी जाते हैं। इसके अलावा हम हर जगह पर शिफ्ट वाइज जो जाप्ता लगा रहे हैं उसको लगातार चेक कर रहे हैं ताकि हमारा जाप्ता लगातार अलर्ट रहे, और जाप्ते की अलर्टनेस का रिजल्ट भी हमें मिल रहा है। हमने पिछले कुछ दिनों में वो गैंग जो जेब काटने के लिए अलग अलग जगहों से आती हैं उन गैंग्स को पकड़ा है, और इस बार बहुत कम घटनाएँ अभी तक हुई हैं जो कि जेब काटने से जुड़ी हुई हैं। देखिए, पाक जायरीनों का जो जत्था आ रहा है उसकी सिक्योरिटी के लिए हमने अरेंजमेंट किए हैं, क्योंकि दूसरे देश से हमारे यहाँ पर अतिथि के रूप में पूरा जत्था आ रहा है, इसलिए उनकी हमने सिक्योरिटी के लिए जो अरेंजमेंट किए हैं उसका बहुत ज़्यादा डिटेल मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, पर मैं ये कह सकता हूँ कि हम लगातार सीनियर लेवल पर पूरे जत्ते की सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कर रहे हैं, और उनके साथ में पर्याप्त जाप्ता रखा जाएगा, उन्हें एक साथ सही तरीके से जो निर्धारित नियम है उस दायरे में रहते हुए उनके मूवमेंट और उनकी जियारत के इंतजाम किए जाएंगे ताकि कहीं पर भी जत्ते को कोई परेशानी का सामना नहीं करना।